पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस का मकसद लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करना है। यही उद्देश्य के साथ नर्मदे युवा सेना लगातार लोगों को समय समय पर जागरूक करती आई है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर नर्मदे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल ने देश की जनता को जागरूकता संदेश दिया। आज पर्यावरण दिवस है और आप नर्मदा युवा सेना के माध्यम से पर्यावरण के प्रति बहुत सारे कार्य करते हैं, तो आज आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमें पर्यावरण को, प्रकृति के महत्व को समझना होगा जी। पर्यावरण, प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। आज सौर मंडल में लगभग 9 ग्रह हैं 8 ग्रह हैं, लेकिन सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है पर्यावरण की वजह से। पेड़ पौधे हैं तो हम प्रकृति की गोद में ही पल बढ़कर बड़े होते हैं, और अगर हम उनके साथ ही खिलवाड़ करेंगे तो ये एक्चुअली हम अपने जीवन के साथ, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें इस बात को समझना होगा। और आज के युग में, आज कोरोना संकट ने भी ये चीज़ बता दी है कि अगर हम नहीं सुधरेंगे, मनुष्य नहीं मानेगा, तो प्रकृति अपने आप रेनोवेशन करेगी, अपने आप पर्यावरण का सुधार करेगी, और शायद तब हमें ज़्यादा तकलीफ होगी। साथ में हमें ये भी आज पता चला है कि इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, बस एक अच्छी नीयत की ज़रूरत है, डिसिप्लिन रहना चाहिए। आज शायद पर्यावरण ने 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, और चूंकि सभी मनुष्य घर के अंदर है, तो आप देखिए, चाहे तो वो वायु का पॉल्यूशन हो, चाहे वो 25 से भी नीचे आ गए इंदौर में, आज आप भास्कर में पढ़ रहे होंगे, दिल्ली में भी पॉल्यूशन पहली बार नॉर्मल रेंज में आया है, और बाकी सब चीज़ों में भी अगर हम थोड़ा सा गंदगी ना फैलाएं और सब जगह की सफाई रखें, ये हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारी प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पर्यावरण बिगड़ेगा तो आपको पता है कि न ही हम बिजनेस कर पाएंगे, न ही फैक्ट्रियां लग पाएंगी, तापमान बदलेंगे, पर्यावरण को नुकसान होगा, आंधी तूफान आएंगे, और हम लोग इसी तरह परेशान होंगे। तो क्यों ना आज हम आके संकल्प लें कि हर एक व्यक्ति सिर्फ जीवन में एक पौधा लगाए और उस पौधे को अपने माँ बाप की तरह समझे और उसका पालन पोषण करे और उसको बड़ा होने तक उसकी देख रेख करें, और आप देखिए इतनी छोटी सी शुरुआत दुनिया को कैसे बदल के रख देगी। धन्यवाद। मेरा नाम प्रवेश अग्रवाल है, मैं नर्मदा युवा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।